सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हालात भारत के ख़राब हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट देखने वाले लोगों को आदत है मिडिल ईस्ट पर नज़र रखने की। इस वजह से ऐसे वक्त में भी आपके सामने आया हूं मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। इसराइल में फूट पड़ गई है मेरे दोस्तों। इसराइल के जो खुफिया एजेंसी में काम करने वाले, इंटेलिजेंस में काम करने वाले 60 लोगों ने एक साथ रिज़ाइन दे दिया है। सोचिए 60 लोगों की तो पूरी एक कंपनी बन जाती है भाई साहब। 60 इंटेलिजेंस से जुड़े हुए अधिकारियों ने रिज़ाइन दे दिया है। ये पूरी तरह से अब इसराइल के अंदर जो बड़ी फूट पड़ी है उसका सबूत है। इसराइल इसको छुपाना और मिटाना चाह रहा है फिलिस्तीनियों पर रेड करके, लेकिन अब ये छुपना नामुमकिन है। दोस्तों, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फाइटर जेट के पायलट्स हैं, वो सब रिज़ाइन दे रहे हैं। यूएई ने मौके पर चौका मारा है। दुबई ने इसराइल के डॉक्टरों को ऑफ़र किया है कि आप यहाँ आकर काम कर सकते हैं बेहतर सैलरी में। उधर अमेरिका और इसराइल ने ख़राब हालात में भी ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते की लॉन्च कर दी है नेवल ड्रिल, जिसमें दोनों देशों की जल सेना जंग की तैयारी कर रही है। हसन नसरुल्ला ने ऐसी बात कह दी है जिससे इसराइल तिलमिला सकता है। वैसे तो हसन नसरुल्ला का अपना एक ग्रुप है जिसका नाम ही हिजबुल्ला है। तो आपको बता दूं कि नसरुल्ला ने ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि जितने भी फिलिस्तीन में, इसराइल में जो संगठन हैं उनके लीडर हिजबुल्ला हैं, यानी हसन नसरुल्ला हैं। नसरुल्ला ने कहा है कि अगर मस्जिद अल अक्सा पर अटैक हुआ तो फिलिस्तीन में मौजूद जितने भी संगठन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, तमाम के तमाम उसको बचाएंगे। कल मैंने ये भी बताया था कि लेबनान में ही आपस में फिलिस्तीनी गुट आपस में ही, मतलब दो अलग अलग ग्रुप हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं और ऐसी ख़तरनाक लड़ाई हुई है कि 11 लोग आपस में ही लड़के मर गए। नसरुल्ला ने उनको भी वार्निंग दी है और तुरंत प्रभाव से कहा है कि इसी वक्त ये झड़प, ये लड़ाई रोक दो। जैसा मैंने आपसे कहा कि मोहम्मद बिन सलमान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको इस बात को मानना ही होगा वरना मुंह की खाएंगे। इसराइल के विदेश मंत्री ने भविष्यवाणी की है कि मार्च 2024 के महीने में, अगले ही साल मार्च के महीने में, इसराइल से डायरेक्ट फ्लाइट मक्का के लिए शुरू हो जाएगी। उधर फिलिस्तीनी परिवार अपना एक मकान बना रहा था, इसराइल की आतंकी मिलिट्री वहां पहुंची और उस मकान को तोड़ दिया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इसराइल के आतंक के खिलाफ, घर तोड़ने के खिलाफ, रेड के खिलाफ प्रदर्शन जब करने लगे तो फिलिस्तीनियों पर जुल्म करके, मार पीट कर इसराइल की मिलिट्री इन्होंने पीछे खदेड़ा। इसके अलावा ये 2 फिलिस्तीनी नौजवान हैं जिनको रेड के दौरान इसराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने कत्ल कर दिया है। दोस्तों, उधर ईरान की बात करें तो ईरान का तापमान चढ़ चुका है। ईरान में 51 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चढ़ चुका है, जिसकी वजह से ईरान में बेहद
ना बर्दाश्त करने वाली गर्मी है और इसको देखते हुए ईरान ने 2 दिन की पूरी यानी नेशनल छुट्टी घोषित कर दी है। उधर सऊदी अरब अब जागा, कपड़ा झाड़ा, खड़ा हुआ, डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन पर बात किया है कि भाई साहब आपके यहाँ कुरान जल रहा है, इस मुद्दे पर थोड़ी टिप्पणी दीजिए। ये तो मुसलमान देश है, मतलब एक गरीब मुसलमान जिसके पास कोई ओहदा नहीं, वो कहीं से भी खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहा है कि कुरान का अपमान ना हो, और ये बड़े बड़े मुस्लिम देश सबसे बाद में खड़े होते हैं। उधर डेनमार्क ने सफाई दी है, कहा है कि हम मुस्लिम देशों से लगातार कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से कुरान का अपमान हो रहा है वो हम रोक सकें, और हम तमाम मुस्लिम देशों को जवाब दे रहे हैं। स्वीडन ने अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया है, नकाब उठाकर कह दिया है स्वीडन ने कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते। कुरान अगर कोई जलाना चाहता है तो जला सकता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। यही तो बात है, मुसलमान को इस्लाम ने ये सिखाया कि किसी के भगवान की, किसी के खुदाओं का अपमान, किसी की तौहीन मत करो, तो पलट कर हमारे ही कुरान को जला रहे हैं, हमारे ही अल्लाह को गाली दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हस्ब अल्लाह निमल वकील, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है और सबसे बेहतर बदला लेने वाला अल्लाह है। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, देखते जाओ, इंशाल्लाह अजाब जल्द नाजिल होगा। दोस्तों पॉप फ्रांसिस तक ने कह दिया, पॉप फ्रांसिस बोले कि ये कुरान जलाई जा रही है, इससे कई देशों के आपसी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और ये बहुत असभ्य है, ये गलत है, किसी की धार्मिक किताब जलाना सरासर गलत है। दुनिया के सबसे खूंखार अमेरिका द्वारा बनाए गए आतंकी संगठन ISIS ने सीरिया की मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें सीरिया के 5 फौजी मारे गए हैं और 5 घायल हैं। वहीं इंडोनेशिया ने तुर्की से डील कर ली है, $300 मिलियन के लगभग 12 से 13 ड्रोन तुर्की से इंडोनेशिया लेगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।